गंगा दशहरा पर रविवार को जिले में घाटों पर आस्था का अद्भुत संगम दिखा, जहां लोगों ने स्नान के बाद गंगा पूजन भी किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। रविवार को गंगा दशहरा का पर्व होने को लेकर प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त से ही आस्थावानों का जन सैलाब उमड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर मां गंगा में डुबकी लगाने से आरोग्य व अमृत योग की प्राप्ति के साथ 10 पाप कट जाते हैं। ऐसे में मां गंगा में स्नान और ध्यान के साथ पूजन के पश्चात दान पुण्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। आज यानी 16 जून 2024 रविवार के दिन यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज व अयोध्या और देवभूमि, उत्तराखंड के हरिद्वार व ऋषिकेश सहित देश के अन्य सभी तीर्थ स्थलों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उनके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ में भी गंगाजल का विशेष प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि मां गंगा नदी का रूप धारण करके भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं और फिर सभी पाप और कष्ट दूर करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज अर्थात गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप व कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन मां गंगा की उपासना का विशेष विधान है। साथ ही इस विशेष दिन पर भगवान शिव की भी विधिवत उपासना की जाती है। आज के दिन पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा यदि संभव न हो तो घर में ही स्नान के समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से पवित्र स्थान का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही आज पानी में गंगाजल मिलकर सूर्य देव को जल प्रदान करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है।